संत लूकस का पवित्र सुसमाचार अध्याय 15। ईसा का उपदेश सुनने के लिए ना केदार और पापी उनके पास आया करते थे। फरीसी और शास्त्री यह कहते हुए भुनभुनाते थे, यह मनुष्य पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है। इस पर ईसा ने उनको यह दृष्टांत सुनाया, यदि तुम्हारे 100 भेड़े हो और उनमें एक भी भटक जाए तो तुम लोगों में कौन ऐसा होगा जो 99 भेड़ों को निर्जन प्रदेश में छोड़कर न जाए और उस भटकी हुई को तब तक न खोजते रहे जब तक वह उसे नहीं पाए। पर वह आनंदित होकर उसे अपने कंधों पर लख लेता है और घर आकर अपने मित्रों और पड़ोसियों को बुलाता है और उनसे कहता है, मेरे साथ आनंद मनाओ क्योंकि मैंने अपने भटके हुए भेड़ को पा लिया है। मैं तुमसे कहता हूँ इसी प्रकार 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। अथवा कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें एक भी खो जाए तो बत्ती जलाकर और घर बुहार कर सावधानी से तब तक न खोजती रहे जब तक वह उसे नहीं पाए। पाने पर वह अपने
अपने सखियों और पड़ोसिनों को बुलाकर कहती है, मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि मैंने जो सीखा खोया था उसे पा लिया है। मैं तुमसे कहता हूँ इसी प्रकार ईश्वर के दूत एक पश्चातापी पापी के लिए आनंद मनाता है। ईसा ने कहा, किसी मनुष्य के दो पुत्र थे, छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए, और पिता ने उनमें अपने संपत्ति बांट दी। ही दिनों बाद छोटा बेटा अपने समस्त संपत्ति एकत्र कर किसी दूसरे देश चला गया, और वहां उसे भोग विलास में अपने संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में भारी अकाल पड़ा और उसकी हालत तंग हो गई। इसलिए वह उस देश के निवासी का नौकर बन गया, जिसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने भेजा। जो फलियां सुअर खाते थे उन्हीं से वह अपना पेट भरना चाहता था, लेकिन कोई उसे उनमें से कुछ नहीं देता था। तब वह होश में आया और सोचता रहा, मेरे पिता के घर कितने ही मजदूरों को जरूरत से ज्यादा रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है, मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा, मुझे अपने मजदूरों में एक जैसा रख लीजिए। तब वह उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। वह दूर ही था
कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसका चुंबन किया। तब पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैंने आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा, जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़ा लाकर इसको पहनाओ और इसकी उंगली में अंगूठी और इसके पैरों में जूता पहना दे। मोटा बछड़ा भी लाकर मारो, हम खाए और आनंद मनाए, क्योंकि मेरा यह बेटा मर गया था और फिर जी गया है। यह खो गया था और फिर मिल गया है और वे आनंद मनाने लगे। उसका जेठा लड़का खेत में था, जब वह लौटकर घर के निकट पहुंचा तो उसे गाने बजाने और नाचने की आवाज सुनाई पड़ी। उसने एक नौकर को बुलाया और इसके विषय में पूछा। उसने कहा, आपका भाई आया है और आपके पिता ने मोटा बछड़ा मारा है, क्योंकि उन्होंने उसे भला चंगा वापस पाया है। इस पर वह क्रुद्ध हो गया और उसने घर के अंदर जाना नहीं चाहा। तब उसका पिता उसे मनाने के लिए बाहर आया, परंतु उसने अपने पिता को उत्तर दिया, देखिए मैं इतने बरसों से आपकी सेवा करता आया हूँ, मैंने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, फिर भी आपने कभी मुझे बकरी का बच्चा तक नहीं दिया, ताकि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मनाऊं। पर जैसे ही आपका यह बेटा आया जिसने वेश्याओं के पीछे आपकी संपत्ति उड़ा दी है, आपने उसके लिए मोटा बछड़ा मार डाला है,
इस पर पिता ने उससे कहा, बेटा तुम तो सदा मेरे साथ रहते हो और जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा है। परंतु आनंद मनाना और उल्लसित होना उचित ही था, क्योंकि तुम्हारा यह भाई मर गया था और फिर जी गया है, यह खो गया था और फिर मिल गया है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16। ईसा ने अपने शिष्यों से यह भी कहा, किसी धनवान का एक कारिंदा था। लोगों ने उसके पास जाकर कारिंदा पर यह दोष लगाया कि वह आपकी संपत्ति उड़ा रहा है। इस पर स्वामी ने उसे बुलाकर कहा, यह मैं तुम्हारे विषय में क्या सुन रहा हूँ? अपने कारिंदगरी का हिसाब दो, क्योंकि तुम अब से कारिंदा नहीं रह सकते। तब कारिंदा ने मन ही मन यह कहा, मैं क्या करूं, मेरा स्वामी मुझे कारिंद्यागिरी से हटा रहा है। मिट्टी खोदने का मुझ में बल नहीं, भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। हाँ, अब समझ में आया कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे कारिंदगरी से हटाए जाने के बाद लोग अपने घरों में मेरा स्वागत करें। उसने अपने मालिक के कर्जदारों को एक एक कर बुलाकर पहले से कहा, तुम पर मेरे स्वामी का कितना ऋण है? उसने उत्तर दिया, 100 मन। कारिंदा ने कहा, अपना रुखा लो और बैठकर जल्दी 50 लिख दो। फिर उसने दूसरे से पूछा,
तुम पर कितना ऋण है। उसने कहा सौ मन गेहूं, कारिंदा ने उससे कहा अपना रुका लो और 80 लिख दो। स्वामी ने बेईमान कारिंदा को इसलिए सराहा कि उसने चतुराई से काम किया, क्योंकि इस संसार की संतान आपसी लेन देन में ज्योति की संतान से अति चतुर है। मैं तुम लोगों से कहता हूं, झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, जिससे उसके समाप्त हो जाने पर वे परलोक में तुम्हारा स्वागत करे। छोटी सी छोटे बातों में ईमानदार है, वह बड़ी बातों में भी ईमानदार है। और जो छोटी से छोटी बातों में बेईमान है और बड़ी बातों में भी बेईमान है। यदि तुम झूठे धन में ईमानदार नहीं ठहरे तो तुम्हें सच्चा धन कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराए धन में ईमानदार नहीं ठहरे तो तुम्हें तुम्हारा अपना धन को देगा। कोई भी सेवक दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह या तो एक से भय और दूसरे से प्रेम करेगा या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। फरीसी जो लोभी थे ये बातें सुनकर ईसा की हंसी उड़ाते थे। इस पर ईसा ने उनसे कहा तुम लोग मनुष्यों के सामने तो धर्मी होने का ढोंग रचते हो, परंतु ईश्वर तुम्हारा हृदय जानता है।
जो बात मनुष्यों की दृष्टि में महत्व रखती है वह ईश्वर की दृष्टि में घृणित है। योहन तक संहिता और नबियों का समय था, उसके बाद से ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जाता है और सब उसमें प्रवेश करने का बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु संहिता की एक मात्रा भी नहीं टल सकती। जो अपनी पत्नी का परित्याग करता और किसी दूसरी स्त्री से विवाह करता है वह व्यभिचार करता है, और जो पति द्वारा परित्यक्ता से विवाह करता है वह व्यभिचार करता है। एक अमीर था जो बैंगनी वस्त्र और मलमल पहनकर प्रतिदिन दावत उड़ाया करता था। उसके फाटक पर लाजरुस नामक कंगाल पड़ा रहता था, जिसका शरीर फोड़ों से भरा हुआ था। वह अमीर की मेज की जूठन से अपनी भूख मिटाने के लिए तरसता था, और कुत्ते आकर उसके फोड़े चाटा करते थे। वह कंगाल एक दिन मर गया और स्वर्ग दूतों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोदी में रख दिया। अमीर भी मरा और दफनाया गया। उसने अधोलोक में यंत्रणाएं सहते हुए अपनी आंखें ऊपर उठाकर दूर से ही इब्राहिम को देखा और उसकी गोद में लाजरुस को भी। उसने पुकार कर कहा, पिता इब्राहिम मुझ पर दया कीजिए और लाजरुस को भी भेजिए, जिससे वह अपने उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। इब्राहिम ने उससे कहा, बेटा याद करो
कि तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिला था और लाजरुस को दुख ही दुख। अब उसे यहां सांत्वना मिल रही है और तुम्हें यंत्रणा। इसके अतिरिक्त हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गर्त अवस्थित है, इसलिए यदि कोई तुम्हारे पास जाना भी चाहे तो वह नहीं जा सकता और कोई भी वहां से इस पर नहीं आ सकता। उसने उत्तर दिया, पिता आपसे एक निवेदन है, आप लाजरुस को मेरा पिता के घर भेजिए क्योंकि मेरे पांच भाई हैं। लाजरुस सुने चेतावनी ते, कहीं ऐसा न हो कि वे भी यंत्रणा के इस स्थान में आ जाए। इब्राहिम ने उससे कहा, मूसा और नबियों की पुस्तकें उनके पास हैं, वे उनकी सुने। आमिर ने कहा, पिता इब्राहिम वे कहाँ सुनते हैं, परंतु यदि मुर्दों में से कोई उनके पास जाए तो वे पश्चाताप करेंगे। पर इब्राहिम ने उससे कहा, जब वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते, तब यदि मुर्दों में से कोई जी उठे तो वे उसकी बात भी नहीं मानेंगे।